बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड जैन व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मलाई गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी होते हैं अंदर से और बहुत ही स्पंजी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब जामुन बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट और स्पंजी और जूसी बने, तो फिर आपको जो है मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। इससे आपको बहुत सारी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, काफ़ी हेल्प होगी आपकी कि आपके जामुन भी जो है वो ऐसे ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जी, सबसे पहले मैंने ये ले लिया है एक प्यारा सा बाउल, और अब इसमें मैं ये मेजरमेंट कप लिया है। मैंने ये कप का सेट मिलता है किसी भी मार्केट में, आराम से अवेलेबल है, आप इजीली ले सकते हैं। मेजरमेंट कप से ये होता है कि आपके जो इंग्रेडिएंट है वो एग्जैक्ट वही क्वांटिटी होती है जो आपको एक वीडियो में दिखाई जा रही होती है रेसिपी के लिए। तो यहाँ मैंने एक कप यानी कि 250 ग्राम जो है पाउडर मिल्क मैंने ऐड कर दिया है बाउल में। पाउडर मिल्क आप किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सूजी ली है मैंने 1 टेबल स्पून, साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं बेकिंग पाउडर आधी चाय का चमचा यानी कि 1/2 टीस्पून। अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून मैदा, और ये मैंने मक्खन लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर है, ये फ्रिज का मक्खन नहीं है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से जो है वो हाथों से जो है मिक्स कर लूँगी। मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके हाथ जो है वो वॉश हों और साफ़ सुथरे हों, ड्राई होने चाहिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इसमें सब अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजा हो जाएं, और कोई भी बेकिंग पाउडर का जो है वो या फिर किसी भी चीज़ का जो है वो कोई भी लम्स ना रहे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। दूध लिया है मैंने 1/3 कप, और ये भी जो है रूम टेम्परेचर पर है, ना ये ठंडा है ना ये गर्म है। तो अब इसे मैं उंगलियों की मदद से, हाथों की मदद से नहीं, उंगलियों की मदद से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स ऐसा करना है कि ये बिल्कुल स्टिकी सा एक डो की फॉर्म में आ जाए, कि हमें इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, ना ये सॉफ्ट होगा ना ये हार्ड रखना है, इसको हमें बिल्कुल स्टिकी सा जो एक डो होता है उस तरीके का कर लेना है। इसे देखें इस तरीके से ये चिपकना चाहिए आपके हाथों पर, खैर चिपके का तो, लेकिन ये हार्ड जो हम लोग बना लेते हैं वो गुलाब जामुन को इस तरीके से नहीं बनाएंगे हम, इसको बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे और ना से हम ज़्यादा नीट करने की कोशिश करेंगे और ना ही ज़्यादा इसको जो है हम हाथों से रगड़ेंगे, बस अपने हाथों की उंगलियों की मदद से जो है इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि सारे इन्ग्रीडियंट मिक्स हो जाएँ। और फिर अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। शुरुआती अब यहाँ पर जो है हम इसकी मलाई तैयार कर रहे हैं। मलाई के लिए मैंने दूध लिया था 1 कप, और इसको मैंने इतना पकाया है कि ये क्वांटिटी में अपने 1/4 कप रह गया है, और देखें ये बिल्कुल मावे की शक्ल तैयार कर गया था, तो ये तैयार है। अब साथ ही मैं इसकी चाशनी तैयार कर रही हूँ। चाशनी के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी, और 1 कप इसकी क्वान्टिटी सेम जो होगी पानी की भी, पानी भी मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिया है, और इसको हमें पकने देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी इलायची दाने। इलायची जो ली है मैंने 3 से 4 ली थी, और उसको बीच में से मैंने तोड़ लिया था। अब हम इसे जो है वो 3 से 4 बॉयल ले लेंगे, और 3 से 4 जब बॉयल आ जाएंगे तो हम हाथ से इसको फिंगर की मदद से चेक करेंगे, जब ये ठीक हो जाएगा यानी कि हम जब फिंगर से हमारे 2 तार आ जाएंगे तो उसका मतलब हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो गई है। ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, बस 3 से 4 बॉयल देने हैं हमें इसे, और ये देखेंगे तकरीबन तैयार हो गई है। आपको उसका जो है वो दिख रहा होगा कंसिस्टेंसी भी। तो चलते हैं जी अपने डो की तरफ। तो हाथों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है अपने ऑयल से, तो उसके लिए मैं इसके जो है वो छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लूँगी, और ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लिए हैं बॉल्स। अब हाथों से भी मेजर कर सकते हैं, या फिर कोई स्पून ले लें उससे भी आप सेम क्वान्टिटीज़ की मेजर करके और उसके बॉल्स तैयार कर सकते हैं। और मैं बॉल्स नहीं, थोड़े से मैं राउंड ओवल शेप बन दे रही हूँ गुलाब जामुन को। आप चाहें तो गोल यानी कि राउंड शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको ओवल शेप दे दिया है, और इस तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। ये मैंने देखें स्पून ले लिया है, और इसके मेजरमेंट से ही मैं इस तरीके से ओवल शेप में
तैयार कर लूँगी गुलाब जामुन। तो उसी तरीके से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं गुलाब जामुन। और अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इतना गर्म करना है कि आपका जो जो हाथ है वो थोड़ा सा इस पर हीट लगे। और मैंने चेक करा है, ये देखें थोड़ा सा डो डालकर, तो ये हमें इतना ही मीडियम जो है वो गर्म चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें इसे, वरना हमारी जो गुलाब जामुन है वो अंदर से जो है वो हार्ड हो जाएंगे और ऊपर से फ्राई हो जाएंगी, यानी कि कलर आ जाएगा उसका और फिर हमें लगेगा कि ये तेल अच्छे से हो गई हैं लेकिन फिर वो अंदर से रह जाती हैं हार्ड। तो उसके लिए आपको जो है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, यानी कि बिल्कुल जो मीडियम आँच होती है उस पर हमने इसको फ्राई करना है। और ये फ्राई में टाइम लेती हैं तकरीबन, ये नहीं कि आपने बस समझे कि वह डाला और निकाला, ये वाला काम नहीं करना है। इसको हमें फ्राई करने के लिए छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो ऊपर आ जाएगी एक एक कर कर। तो ये मेरी गुलाब जामुन देखें ऊपर आना शुरू हो गई थी और ये खुद ही ऑटोमेटिक आई है, मैंने उसको चम्मच नहीं चलाया था। और फिर इसके बाद जब ये ऊपर आना शुरू हो गई थी तो मैंने एक स्पेशल है कि वहाँ से इसको राउंड एंड राउंड थोड़ा सा घुमा लिया था। ये ध्यान रखिएगा कि आपने उसमें चम्मच नहीं चलाना है, आपने इसको स्पेशल की मदद से ही घुमाना है। और ये अच्छे से अभी फ्राई हो गई थी, मैंने इसको काफ़ी टाइम तक जो है फ्राई किया है डीप फ्राई। और देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था। अगर आप चाहें तो इसको लाइट कलर में भी जो है वो फ्राई कर सकते हैं, थोड़ी सी देर कम हो जाएगी आपकी टाइमिंग। तो अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको मैंने चाशनी जो है वो बिल्कुल हमारी ना ज़्यादा गर्म थी ना ठंडी थी, नीम गर्म करने के बाद इसको मैंने चाशनी में डिप कर लिया था। और डिप करने के बाद इसको मैंने हाथों की मदद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद उसको जो है स्पेशल से ही अप्स एंड डाउन में जो है थोड़ा थोड़ा सा घुमा दिया ताकि अच्छे से सोक कर जाए चाशनी को। और फिर इसको मैंने इसके जो पतीला है इसको पकड़कर और इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा सा घुमा लिया है, इससे जो है चाशनी हर जगह पहुंच जाएगी। तो आप चलते हैं इसकी मलाई की तरफ। मलाई के लिए जो मैंने मावा तैयार किया था, ये मावा लिया है मैंने एक चौथाई कप, और ये साथ ही जो है कुछ पिस्ते लिए हैं कटे हुए, गड्ढों से हम गार्निशिंग करेंगे इसकी। तो अब मैं जो सारी गुलाब जामुन अच्छे से सोख हो गई हैं, तो मैं रखती थी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से सोख होने के लिए, सोख हो गई थी तो मैं इसको निकाल लूँगी। चाशनी में इसको इसलिए रिमूव कर रही हूँ ताकि जो है वो हम इसके अंदर फिलिंग कर सकें मावे की। अगर आप चाहें तो बगैर मावे के इसको आप ऐसी चाशनी में डिप कर भी जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है इसमें मावे की फिलिंग करनी है, इनके मलाई की फिलिंग करनी है, तो इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। और अब इसको बीच में से जो है नाइफ़ की मदद से इसे कट कर लगा लूँगी। और ये यकीन माने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही जूसी थी, बहुत एहतियात से मैं इसे कट लगा रही थी। इसमें कट जो है हमने एक साइड पे लगाना है ये बीच में, जैसे हम एक हरी मिर्चों को चीरा लगाते हैं मसाला भरने के लिए, इस तरीके से इसमें कट लगाने हैं बीच में, ये देखें इस तरीके से। और देखें कितने ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट हैं, स्पंजी हैं, आपको इसका स्पंज नज़र आ रहा होगा अंदर से। तो उसी तरीके से हम साड़ी तैयार कर लेंगे कट लगा कर। और अब जो मैंने कट लगाया था उसको हल्का सा जो है वो प्रेस कर खोलूँगी, और खोलने के बाद इसमें मावा जो है वो हाथों की मदद से लेकर और इसको इस तरीके से फिलिंग कर लेंगे हम। और ये इलायची का दाना मेरा नज़र आ रहा है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। तो इसी तरीके से सारे जो है वो बीच में से खोल खोल कर और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मावा जो है जो हमने मलाई तैयार करी है इसकी वो इसमें हम फिलिंग कर देंगे इसकी। और ये इतनी खूबसूरत लग रही हैं ये, और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी लग रही हैं, आपको दिख रहा होगा ये जूसी लग नहीं रही हैं ये, आप यकीन माने आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप भी ज़रूर तारीफ़ करे बगैर रहेंगे नहीं। और जब आप ये किसी को बना के सर्व करेंगे तो वो भी आपकी जो है वो तारीफ़ करेगा, और उसे भी इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएंगे। आप किसी भी इवेंट पर किसी भी खुशी के मौके पर अब अपनी मिठाई घर में तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ। अब आपको हलवाई से मिठाई नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, आप ये आराम से घर में बना सकते हैं, घर में बनाकर आप तारीफ़ें भी लूट सकते हैं बहुत सारी। और साथ ही जो है जो भी आपकी हाथ की गुलाब जामुन खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने जो है पिस्ते की टॉपिंग कर दी थी ऊपर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो रेडी हैं सर्विंग के लिए। आप इसे इंजॉय करें, बनाएं।
खुद खाएँ या बच्चों को खिलाएँ। सो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई मजीद आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जी, फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।